बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे आयज नेटवर्क से रिलेटेड। बहुत दिन के बाद आयज नेटवर्क के टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, और वीडियो क्रिएट करने की वजह ये है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है कि आयज कॉइन जो वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है। तो तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, साथ ही साथ आपको एक अपडेट भी प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए मैं आ जाता हूं आयज नेटवर्क के ट्विटर के ऑफिशियल पेज के ऊपर। यहां पर इन लोगों ने बताया कि इनका एक न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है जिसका नाम होगा टेप टू माइन, यानी कि ये आयज कॉइन की जिस तरीके से हम लोग माइनिंग करते थे उस तरीके से एक और जो ये टोकन लेकर आ रहे हैं, और उसकी भी हम लोगों को माइनिंग करना होगी। और जिस तरीके से आयज से बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट हासिल किया है, इस तरीके से इस प्रोजेक्ट के थ्रू भी वो प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए आयज नेटवर्क की एप्लीकेशन ही यूज़ की जाएगी, और हम लोगों ने जो आयज कॉइन की माइनिंग के लिए अकाउंट क्रिएट किए थे वही अकाउंट यूज़ किए जाएंगे। तो अब ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च होगा और इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोगों को काम किस तरीके से करना होगा, उसके लिए आप आ जाएं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर आ जाएं। यहाँ पर आपको आयज नेटवर्क माइनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इस प्लेलिस्ट के अंदर आ जाएं। इस प्लेलिस्ट के अंदर आयज नेटवर्क का अकाउंट क्रिएट करने से लेकर इसकी तमाम की तमाम अपडेट्स आप लोगों को मैंने प्रोवाइड की हुई थी, और यहाँ पर इंशाल्लाह ताला जो इसका न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी आपको यहीं पर वीडियो मिल जाएगी। तो आपने अगर मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ होगा, मेरे साथ आप पहले से ज्वाइन होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि आयज नेटवर्क की जितनी भी अपडेट थी वो आपको यहीं पर प्रोवाइड की गई थी, और साथ ही साथ इसकी जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व करके दी गई थी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आयज नेटवर्क के जो क्विज के आंसर थे वो प्रॉब्लम आ रही थी, और आप लोगों में से कई यूजर्स ऐसे भी होंगे जिन लोगों के अकाउंट मैंने खुद भी वेरीफाई करके दिए थे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम की तमाम अपडेट से आप बाखबर रह सकें। इसके अलावा बात करते हैं कि आयज नेटवर्क से रिलेटेड जो मार्केट के अंदर अफवाह फैली हुई है कि आयज कॉइन जो वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है, उसकी वजह यह है कि अगर हम आयज नेटवर्क के ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाएं, ऑफिशियल पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर ही आपको पोस्ट नज़र आ रही होगी, ये पोस्ट बाइनेंस ने की है आयज को टैग करते हुए, जिसके अंदर ये बाइनेंस का लोगो जो है वो आयज के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस चीज़ को लेकर जो मार्केट के अंदर ये खबर फैल गई है कि आयज नेटवर्क का जो कॉइन है यानी आयज टोकन जो वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है, और सबसे मजे की बात यह है कि ये पोस्ट करने के बाद आइस की प्राइस भी अप होना शुरू हो गई है। तो अभी जो करंट प्राइस आइस की चल रही है वो 0.00503 चली है, और इसकी जो लास्ट प्राइस अब तक गई है वो 0.01 गई है। अब इसकी प्राइस को पीकेआर के अंदर चेक करने के लिए अगर हम आ जाए क्रोम के ऊपर, डॉलर टू पीकेआर के अंदर इसकी अभी करंट प्राइस चेक करें 0.00503, तो यहाँ पर देखें 1.40 रुपये का तकरीबन करंट प्राइस के हिसाब से बन रहा है, और इसकी जो लास्ट प्राइस सबसे हाई गई थी 0.01, तो इसकी जो सबसे हाई प्राइस पीकेआर के अंदर गई है 2.77 रुपये। तो अब इस चीज़ को आपने जहन नशीन कर लेना है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ये जो मार्केट के अंदर अफवाह फैली हुई है इस पिक्चर को लेकर, इस पोस्ट को लेकर, इसकी रियलिटी क्या है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं आइस की एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पर इसने वो तमाम की तमाम एक्सचेंजेस बताई हुई है जिन एक्सचेंजेस के ऊपर आइस ने लिस्ट होना है। तो तकरीबन 20 एक्सचेंजेस है, और इन 20 एक्सचेंजेस में से कहीं पर भी आपको बाइनेंस का नाम शो नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं आइस के ट्विटर के ऑफिशियल पेज के ऊपर। ऑफिशियल पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पर फॉलोइंग लिस्ट के अंदर आ जाए, यहाँ पर देखें फॉलोइंग लिस्ट में कहीं पर भी बाइनेंस का आपको नामो निशान शो नहीं हो रहा होगा। इसके अलावा वापस बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पर इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर कोई भी ऐसी पोस्ट मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसी अपडेट मौजूद नहीं है जहाँ पर यह बताया गया हो कि आइस कॉइन जो वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बाइनेंस के ऑफिशियल पेज के ऊपर चले जाएं, बाइनेंस के ऑफिशियल पेज के ऊपर जाने के बाद ये पूरा का पूरा पेज मैंने भी चेक किया, आप भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी कोई ऐसी अपडेट मौजूद नहीं है कि आयज कॉइन जो वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होगा। और साथ ही साथ अगर हम बाइनेंस की फॉलोइंग लिस्ट के अंदर भी आ जाए तो फॉलोइंग लिस्ट के अंदर भी कहीं पर भी आयज का नामो निशान शो नहीं हो रहा। तो ये मार्केट के अंदर जितनी भी न्यूज़ फैली हुई है ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, एक तज्जिया है, और लोगों ने इस पोस्ट को लेकर एक तज्जिया लगाया है कि आयज कॉइन जो वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है। अब इस चीज़ को लेकर मार्केट की खबरों को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों में से कई लोगों ने ये ठान लिया कि हम लोगों ने आयज टोकन्स को खरीद कर अपने पास होल्ड करके रख लिया है, क्योंकि आगे जाकर ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है और इसकी प्राइस $1 तक जाने वाली है। मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि जो आपने आयज नेटवर्क की माइनिंग करके जो फ्री के कॉइन्स अपने पास कलेक्ट किए हुए उनको सिर्फ अपने पास होल्ड करके रखें,
अगर आपके पास आइस कॉइन्स मौजूद नहीं है तो अभी फिलहाल आप इनकी कम क्वांटिटी के अंदर खरीद कर अपने पास रख लें, 2-4-5 हज़ार टोकन अपने पास खरीद के रख लें, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद कर ना रखें, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि इसकी प्राइस आगे जाकर अप होने वाली है या लो होने वाली है। अगर आप यहाँ पर हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आइस कॉइन्स को अपने पास खरीद कर होल्ड करके रख लेते हैं और अल्लाह ना करे आगे जाकर इसकी प्राइस और ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो डाउन होने के बाद आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरा मशवरा आप लोगों को ये है कि यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, 2-4-5 हज़ार से ज़्यादा के कॉइन्स आप नहीं खरीदिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ इतना बता दिया कि ये जो मार्केट के अंदर अफवाह फैली हुई है कि आइस कॉइन जो वो बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक तजिया है, कोई अपडेट नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा जो आई नेटवर्क का न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है टेप टू माइन का, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह ताला इसी चैनल के ऊपर शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि तमाम की तमाम अपडेट से बाखबर रह सकें। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने के साथ साथ इनकी तमाम की तमाम अपडेट से भी बाखबर रखा जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।